अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं जमात शशम की, उर्दू की, उर्दू का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, उर्दू में सबसे पहले हमें क्या करेंगे, उर्दू के लिए हम आज जो है वो अपनी प्लानिंग की तरफ आएंगे पहले। सो स्टूडेंट्स देखिए, हफ्ता एक पहले दिन में हमें क्या काम दिया गया, हमें कहा गया है ख़त लिखें चचा जान के नाम इम्तिहान में कामयाबी पर भेजे गए तोहफे का शुक्रिया। हम क्या करेंगे, आज हम अपने चचा जान को ख़त लिखेंगे जिसमें उन्होंने जो हमें तोहफ़ा भेजा था हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आप सोचे होंगे ख़त कहाँ लिखना है, तो आप अपनी उर्दू की कॉपी लेंगे ग्रेड सिक्स, कॉपी क्या करेंगे, कॉपी के स्टार्ट में काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ग्रामर सेक्शन है, तो हम अपनी कॉपी को हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद देखिए एक ऐसे पेज रेडी करेंगे और इस पर हम जो है ख़त लिखेंगे। आप सिर्फ यहाँ पैटर्न देख लें, ख़त जो है वो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताऊँगी कि आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है। अब हम ख़त पढ़ेंगे। हस कमरा इम्तिहान, यहाँ मैंने फ़र्ज़ी डेट लिखा है और यहाँ पर आपने अपने हिसाब से तारीख मेंशन करनी है। देन आपने यहाँ कराची लिखना है। अब हम पूरे ख़त को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। प्यारे चचा जान, हम सब यहाँ खैरियत से हैं और आपकी खैरियत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआगु हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने मुझे मेरे सालाना इम्तिहान में पोजीशन हासिल करने पर एक खूबसूरत घड़ी तोहफे में भेजी थी। चूँकि घड़ी वक्त बताती है और वक्त एक कीमती शय है, इस तरह घड़ी के इस्तेमाल से मुझे अपनी तालीमी सरगर्मियां वक्त पर सर अंजाम देने में मदद मिलेगी। मैं आपका इस खूबसूरत तोहफे का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती या करता हूँ। चची जान को सलाम व सलाम और अलिफ बे जीम। या अलिफ बे जीम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे और सेम इसी पैटर्न से आपने उर्दू की कॉपी में इसको लिखना है बिल्कुल सफाई के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।